स्वागत है आप सबका पेंट सॉफ्टवेयर की दूसरी वीडियो में। और इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आप खुद भी हैरत में पड़ जाएंगे कि पेंट के अंदर आप ऐसी ऐसी चीज़ें सीख चुके होंगे। और साथ ही साथ जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसके अंदर वो ज़रूर जाके देख लो, उसमें फाइल टैब और व्यू टैब के अंदर जितनी भी चीज़ें हमने बिल्कुल डिटेल्स में सिखाई हैं। और अगर आज की आपने वीडियो देख ली तो पेंट के आप किंग बन चुके होंगे। और ये जो पूरा होम टैब है जिसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको एक एक करके मैं समझाऊंगा और इतनी इजी तरीके से समझाऊंगा कि आपको पेंट सॉफ्टवेयर अच्छे से चलाना आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको पहली चीज़ दिखाता हूँ, पेंट सॉफ्टवेयर जब भी आप खोलेंगे तो ये पेज आएगा। इस पेज के अंदर आप ये देखेंगे तो इससे आप पेज का साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। इससे अगर आप देखेंगे तो रेशो में कुछ फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन आपका पेज का साइज़ बड़ा और छोटा हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। जैसा होता है ना, अलग अलग साइज़ के ऊपर किसी को काम करना रहता है, तो इस तरीके से आप पेज का साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं इतनी आसानी से। अगर हम दूसरी चीज़ पर आएँ तो पेस्ट, पेस्ट यहाँ पे ऑप्शन है कट और कॉपी। ये तो सबको पता ही है, जिसने भी एमएस वर्ड या एक्सेल चलाया होगा, पेस्ट कट और कॉपी तीनों एक साथ ही चलते हैं। तो आप कट करेंगे कॉपी करेंगे उसी चीज़ को पेस्ट करेंगे। बाकी अगर आपको कोई इमेज या कोई पिक्चर वगैरह अपने डेस्कटॉप्स के अंदर से ला के पेंट के अंदर लगानी है तो पेस्ट का ऑप्शन है। पेस्ट फ्रॉम करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कौन सी लोकेशन है। जैसे आप इसको लोकेशन देंगे तो जैसे कि मैंने लिया तो ये हमारा लोगो आ जाएगा। इसको हम अपने हिसाब से पूरे पेज पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप बहुत सारी इमेजेस जैसे आप चाहते हैं वो आप ला सकते हैं और इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कट और कॉपी ऑप्शन किस तरीके से काम करता है। अब जैसे कि हम वापस पेस्ट में गए और मैं अपनी लोकेशन पर जाऊँगा। जैसे कि मैंने ये लोगो लेकर आया, अभी लोगो सेलेक्ट है, अब मैं इसको कट करूँगा तो यहाँ से कट हो जाएगा। अब ये पेस्ट का ऑप्शन मेरे लिए खुल गया है, अब मैं पेस्ट करूँगा तो ये पेस्ट हो गया इस तरीके से कट और पेस्ट। वहीं कॉपी का ऑप्शन करूँगा, अभी कॉपी हो चुका है। अब मैं इसको फिर पेस्ट करूँगा ना तो आपको दिखेगा एक के पीछे एक ही आ गए, इस तरीके से दो ही पिक्चर आ गई। मैं इसको थोड़ा छोटा देख कर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। तो ऐसे कट और कॉपी इस तरीके से काम करते हैं। वहीं सेलेक्ट का ऑप्शन जो है इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि अगर किसी को सही से इस्तेमाल करना आ जाए तो इस सॉफ्टवेयर को ऐसे इस्तेमाल कर सकता है कि आपसे लोग पूछेंगे कौन से एडिटिंग सॉफ्टवेयर से काम कर रहे हो, बताओ नहीं फ्री में काम करके मतलब दो पैसे लो उनके काम करके। तो इस तरीके से काम चलता है। जैसे कि मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को करता हूँ, अब ये मैंने सेलेक्ट करा है इसको, तो ये इधर से मैं इसको कहीं पर भी लेके आ सकता हूँ। ये चीज़ ये मेरे लिए सिलेक्ट हो गई है। वहीं अगर मैं ये वाला ऑप्शन ना करके फ्री फॉर्म का सिलेक्शन लेता हूँ, अब मेरे को ये चीज़ चाहिए बस, अब मैं इसको लेता हूँ तो ये चीज़ सिलेक्ट होगा। अब देखो आप, तो ये इस तरीके से काम करता है। इसका मैं ज़्यादा बेहतर एग्जांपल ये आपको दे पाऊँगा, इस तरीके से हुआ। अब देखिए वही चीज़ ये कट कर होकर बाहर आ गई है। तो ऐसे ये दो ऑप्शन इसके फ्री फॉर्म और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन काम करता है। सिलेक्ट ऑल का मतलब ये होता है कि पूरा पेज ही आपका सिलेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करें इनवर्ट सिलेक्शन की, तो जैसे कि मैं फ्री फॉर्म का सिलेक्शन है और इसके अंदर मैंने ये चीज़ सिलेक्ट करी है, ठीक है। अब मैं इसमें इन्वर्ट करता हूँ, इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा। अब मैं करूँगा तो ये देखो वो छोड़ के बाकी पूरी चीज़ हमारी इससे सिलेक्ट हो चुकी है। तो ये इन्वर्ट सिलेक्शन का काम करता है। इसको मैं वापस उसकी जगह में रखने की कोशिश करता हूँ और मैं बहुत क्लोज हूँ। और वही ऑप्शन होता है डिलीट का, तो अभी कुछ भी चीज़ जितनी भी चीज़ें हमारी सिलेक्ट थी वो सब डिलीट हो चुकी है। मैं कंट्रोल जेड करके इसे वापस लाता हूँ। और एक अब ज़रूरी जो ऑप्शन है वो है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का, लेकिन वो इतना काम में वैसे आता है नहीं है। जो आपका रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है वही इसका काम कर लेता है। देखिए ट्रांसपेरेंट का सिलेक्शन का ये तरीका है बस, वही फ्री फॉर्म जो सिलेक्शन है वही काम इसने भी करा है, तो वो आपके ऊपर है। अब एक इसके अंदर एक बहुत ज़रूरी एडिटिंग है वो जो हम कर सकते हैं। जैसे कि अब मेरे को इतनी बड़ी पिक्चर है, इसमें से मेरे को सिर्फ ये चीज़ चाहिए टेक्स्ट टॉक्स। तो मैं जाऊँगा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करूँगा क्योंकि मैं इसके साथ बहुत फ्री हूँ। ये मैंने चीज़ ये सिलेक्ट करी, अब मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ इसमें से, तो मैं क्रॉप कर दूंगा। क्रॉप का मतलब वही चीज़ मेरे पास रहेगी। तो ये देखिए आप, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये आप देखेंगे इस तरीके से मेरा टेक्स्ट टॉक्स है, सिर्फ वही चीज़ सिलेक्ट हुई है। मैं कंट्रोल जेड करके वापस चले आता हूँ, तो इससे पता लगा क्रॉप और सिलेक्ट एक साथ कितना अच्छा काम करता है मेरे पेज। तो अब बात करें ये न्यू ऑप्शन की, रिसाइज और कट की। रिसाइज तो नाम से ही पता लग रहा होगा, साइज को चेंज करना। अगर हम इसको खोलें रिसाइज को तो ये परसेंटेज के अंदर ये सिलेक्ट करेगा। तो ये इस तरीके से अगर मैंने ओके करा तो ये पेज को छोटा और बड़ा कर देगा। वही रोटेट की बात करें तो ये रोटेट हमारा पेज, हम राइट लेफ्ट ये क्या हो रहा है पेज के अंदर, ये पेज अब सिलेक्ट हुआ है। ये देखिए पेज के अंदर सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है वरना ये काम नहीं करता। इस तरीके सारे मैंने ऑप्शन दिखा दिए। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये भी पता लगेगा पेज पे आप कौन से डिग्री पे काम कर रहे हैं। देखिए
और वहीं ये जो साइज का ऑप्शन है ना पिक्सल वाला पीएक्स, वो इधर से आता है। अब हमें फोटो का साइज कम ज्यादा करना है तो हम इसको कम ज्यादा करके इसको कम ज्यादा पिक्सल का बना लेंगे। तो अब बात करते हैं पेंट के अंदर टूल्स की, ब्रशेस की और शेप्स की। अगर हम ये तीन चीजें सीख लेंगे तो ये पीछे की जितनी भी चीजें हैं ना इसी में साथ में कवर हो जाएंगी। जैसे कि टूल्स में आते हैं तो सबसे पहले आती है पेंसिल। पेंसिल बहुत सिंपल है, इसको जैसे हम सिलेक्ट करते हैं और इससे कुछ भी हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ये जब बहुत ज़्यादा उस तरीके का काम चल रहा होता है जिसमें बारीकी चाहिए होती है, जब पेंसिल का यूज़ होता है, और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ से पेंसिल की आउटलाइन बोल्ड हो सकती है। जैसे कि मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, तो इससे आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से पेंसिल यहाँ पे बोल्ड हो गई है। कलर हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और इस तरीके से हम पेंसिल का इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि जो हमें सबसे ज़्यादा फायदा करेगा। वहीं फिल की बात करें तो इस तरीके से है कि हमें किसी भी जगह पर कलर भरना है। जैसे कि मैं ब्लैक कलर लेता हूँ, इसमें आ गया, ये कलर लेता हूँ तो इसमें आ गया। इस तरीके से हम फिल का यूज़ कर सकते हैं और ये फिल सबको ही पता होता है मोस्टली। अगर ये ऑप्शन की बात करें हम टेक्स्ट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अब हमें कभी अपने टेक्स्ट में कुछ लिखना है तो ये पहले हमने सेलेक्ट करा, अब इसके हिसाब से हम अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा अपने हिसाब से। यहाँ से हम अपना फॉन्ट ले सकते हैं, हम किस उसमें लिखना चाहते हैं, क्या हम साइज़ रखना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं। इस पर मैं जैसे कि आपको लिख के दिखाता हूँ, इसमें पहले हमें कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक कलर ही इस पे चलेगा। जैसे कि हमने लिखा टैक्स टॉक्स इज द बेस्ट चैनल। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, अब इसको मैं अपने हिसाब से कोई सा भी फॉन्ट दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने इसको ये दिया तो ये देखिए, आप देखिए फॉन्ट चेंज हो रहा है, इसमें देखेंगे तो ये साइज चेंज हो रहा है। बोल्ड नहीं चाहता तो मैं इसको पतले में कर सकता हूँ, इसको मैं इटैलिक कर सकता हूँ, इसको मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं ये वाला ऑप्शन भी लगा सकता हूँ। और इस साथ अगर मैं ट्रांसपेरेंट रखूँगा, ये एक बहुत ज़रूरी ऑप्शन है इसका, कि हमें पीछे की चीज़ें इसमें दिखती रहेंगी। अगर मैं यहीं इसको ओपेक कर दूँगा, ये देखिए पीछे की चीज़ें गायब हो गई। अब इसके अंदर जो पीछे का कलर है, अगर मैं चाहूँ तो कलर टू में जाके इसको भी चेंज कर सकता हूँ। तो कलर वन और कलर टू का इस तरीके से इस्तेमाल होता है, जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता और ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। वहीं इरेजर का करें तो इरेजर सबको पता ही रहता है। अब इसके अंदर जो कलर टू में जो कलर रहेगा ना, वो इरेजर का कलर रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे वाइट कर दिया तो हमारा इरेजर अब वाइट चलेगा। इसको मैं ब्लू कर देता हूँ तो हमारा इरेजर अब ब्लू चलेगा। वहीं हम इसको येलो कर देते हैं तो हमारा इरेजर अब येलो चलेगा। इसी तरीके से हम इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें इस टूल की बात करता हूँ कलर पिकर की। ये बहुत कम लोगों को पता होता है इसका यूज़ कैसे करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जैसे कि मुझे ये नहीं पता ये कौन सा कलर है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसी कलर से मैं अपना टेक्स्ट लिखूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले कलर पिकर ऑप्शन को लूँगा और यहाँ पे जाके ना इस पर क्लिक कर दूँगा। ये देखिए आप, कलर चेंज हो गया है। अब ये वही कलर जो चाहिए मुझे, वो कलर आ चुका है। अब मैं टेक्स्ट के अंदर जाऊँगा तो इस कलर से ये देखिए, तो इस तरीके से उसी कलर का मैंने टैक्स लिख लिया। कुछ भी चीज़ में इसी कलर की चाहता हूँ तो पहले मैं कलर पिकर ऑप्शन का इस्तेमाल करूँगा। और अब ये आ गया मैग्नीफायर ग्लास का। अब मुझे किसी भी चीज़ के ऊपर सेलेक्ट करता रहूँगा तो वो चीज़ मेरी मैग्नीफाई होती रहेगी। अच्छा, फिर मुझे पता लग जाएगा कि अच्छा ये चीज़ इसके अंदर आ रही है। और नीचे से देखेंगे तो आप यहाँ से जूम होता जा रहा है, एक तरीके से मैग्नीफायर जूम का ही ऑप्शन है, लेकिन ये जूम उसी जगह पर होगा जहाँ पर हम करना चाहते हैं। तो इस तरीके से मैग्नीफायर टूल काम में करता है। अब हम बात करें ब्रशेस की और शेप्स की, यही दो चीज़ें अब हमारी जो बचती हैं। अगर हम ब्रश की बात करें तो इसके नीचे जो एरो का ऑप्शन है, इससे आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के ब्रश आ रहे हैं, इसका हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं कलर चेंज करके इसको एक बार आपको दिखाता हूँ। कलर वन के अंदर चेंज करना होगा ना, ठीक है, ये चेंज हुआ। इसी तरीके से हम अलग अलग ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, सब अलग अलग तरीके से चलते हैं। इनका हम साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं ये इस तरीके से। अभी मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि देखिए ये कैलीग्राफी का हो गया, ये स्प्रिंकल वाला हो गया। इस तरीके से हम अलग अलग कलर्स का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और अलग अलग पेंट का जिस तरीके के हम चाहते हैं बनाना। यहाँ से अगेन हम, मैंने बताया आपको, साइज़ चेंज कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा साइज़ कम हो गया। इन टूल्स का लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ये टूल्स बहुत काम में आते हैं। देखिए क्रेयॉन, ये क्रेयॉन वाला है, ये पेंट के तरीके का है, इस तरीके के अलग अलग हैं, ये पेंसिल है, इसका साइज़ का मैंने आपको बता ही दिया है।
जिस तरीके से हम अलग अलग ब्रशेस का यूज़ कर सकते हैं डिपेंड करता है जो हमारी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शन शेप्स का। शेप्स को हम खोलेंगे तो ये सारे शेप्स पेंट के अंदर आते हैं, और कहाँ हो सकता है आपका दूसरा पेंट का वर्जन हो उसमें भी शेप्स लिखा होगा। एरो पे जाएंगे तो ये सारे शेप्स खोल के आ जाएंगे। जैसे ये लाइन है, अब ये लाइन को अगर हम शिफ्ट दबा देंगे तो लाइन सीधी हो जाती है बिल्कुल। ये एक ऑप्शन है लाइन का, ये कर्व का हो गया ऑप्शन। इसके हम आउटलाइन दे सकते हैं, देखो ये ना आउटलाइन करने का अलग तरीका, इससे इसके आउटलाइन चेंज होगी। अगर मैं इस शेप पे आऊँ तो इस शेप के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो आउटलाइन, एक अंदर का इसका कलर। जैसे कि मैं यहाँ पे आके चेंज करता हूँ तो आउटलाइन नहीं है, सॉलिड है, क्रेयॉन है, मार्कर है, ये सब चीज़ें। अब इसमें आके मैं कलर लेता हूँ अलग अलग, फिल का ऑप्शन देगा वो सॉलिड। अब देखिए वही जो कलर टू में जाऊँगा ना उसी तरीके से कलर इसका फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम शेप्स का अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब मुझे ये वाला शेप मैंने लिया, अब मैंने इसका इरेजर लिया, अब इसका मैंने इसका बादल बना दिया। मतलब अलग अलग इसके एप्लीकेशन है जो हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये है, और कलर टू के अंदर मैंने ये कर दिया, ये कर दिया। इस तरीके से, और मैं इसको अलग अलग यूज़ इसका मैं कर सकता हूँ। तो ये है इस तरीके से हम पेंट का अलग अलग तरीके से यूज़ करके पेंट का सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एडिटिंग के लिए, कोई असाइनमेंट बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और ख़ास तौर से जो गवर्नमेंट फॉर्म्स बनाते हैं उनके लिए तो बहुत काम में आते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना पिक्सेल्स का और ये जो डायमेंशन है इसका बहुत यूज़ होता है। जैसे कि हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पर मुझे जब बैनर बनाया था तो मैंने पेंट से ही बनाया था, क्योंकि वो पिक्सेल मांगता है कम, और साथ ही साथ उसका अपना साइज़ होता है। ये दोनों चीज़ें मैंने यहीं से दी थी। और इसी तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हैं पेंट का।